गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपकी क्लास 8 जो एनसीईआरटी के बेस के ऊपर है, हनी ड्यू टेक्स्ट बुक, आज उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये चैप्टर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, माइकल मॉर्फियो के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, सो दिस चैप्टर है 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं। आज हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. तो आपने कभी देखा, हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स और पीरियड्स आपको जो टाइम है वो आपने पढ़ा होगा कि उसकी क्या सिग्निफिकेंट है। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया है इसका आपको आगे जाके इसके मीनिंग भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि बहुत ही खास, इंपॉर्टेंट, तो आप सब उसको याद भी करते हैं और जानते भी हैं। तो ये जो स्टोरी है आपकी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये कब लिखी गई है? ये स्टोरी तब लिखी गई है जब ब्रिटिश और जर्मन में आपस दोनों में लड़ाई हो रही थी 1914 में। आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं ये किसका झंडा है, ब्रिटिश का, और दूसरी तरफ किसका फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको, जर्मनी का। इन दोनों के बीच तब लड़ाई देश में चल रही थी और ये सारी स्टोरी इसी के अराउंड घूमती है, इसके इर्द गिर्द घूम रही है। सो अब हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई स्टॉप्ड इन इट इन अ जंक शॉप इन बर्डपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सर्वर पीसेज, वन लेग क्लम्सी मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो यहाँ पे जो स्टोरी जो हमारी स्टार्ट हो रही है, इसमें हमें राइटर लेखक ये बता रहा है, वो अपनी बात बता रहा है कि आई स्टॉप्ड इट इन जंक शॉप, कि जंक शॉप जो एक कबाड़ी की दुकान के पास वो रुक जाता है और वहाँ कबाड़ी की शॉप में वहाँ पे क्या एक अलमीरा जो है वो लेता है जो बहुत ही पुरानी है, 19th सेंचुरी की बनी हुई है। और ओक ट्री, जैसे आपको देखते हैं ट्रीज़ जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे जो लकड़ जो वुड है उसका ओक वुड से वो अलमीरा बनी हुई थी, लेकिन वो अलमीरा की कंडीशन जो थी बहुत ही माड़ी थी। उसकी कंडीशन मींस जो उसकी हालत ही अलमीरा की बहुत ही ख़राब थी, वो बहुत जगह से उसके पीसेस टूटे हुए थे, उसके अलमीरा की एक टांग जो थी वो उसकी नीचे से टूटा हुआ था उसकी, तो उसके बहुत वहाँ पे बहुत से मार्क भी लगे हुए थे, निशान भी लगे हुए थे। लेकिन जो लेखक है उसने क्या किया, उसने वो कबाड़िए की शॉप को पैसे दिए और वहाँ से वो अलमीरा लेकर अपने घर पे आता है और अपने घर कमरे के अंदर वर्क रूम में जहाँ वो काम करता है उस वो अपने गैरेज से लेकर अपने वर्क रूम में लेकर आ जाता है और वहाँ उस अलमीरा के ऊपर बैठ के वो किसके तैयारी करता है काम करने के लिए, क्रिसमस ईव में, क्योंकि अब वहाँ पे क्रिसमस आने वाली है इसलिए उसकी तैयारी में लग चुका है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, और जो आप देखते हैं जो फॉरेन कंट्री जो उन लोगों का सिर्फ एक जो है दो मेन ईव होते हैं जो मेन क्या वो सेलिब्रेट करते हैं, एक क्रिसमस करते हैं और सेकेंडली वो हैप्पी न्यू ईयर, जो न्यू ईयर होता है नया साल तो वो सेलिब्रेट करते हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। The last drawer was stuck fast. In the end, I used brute force.
आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट फिस्ट एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो शेप अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉ आई रीच्ड इन इट and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jin's last three letter received January 25, 1915. तो जैसे ही आप यहाँ पे जो ऑथर है, जो राइटर है, वो जो लेखक है, वो जब अलमीरा लेकर आता है, उसकी अलमीरा की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन वो फिर भी उसको लेकर आता है और अपने घर में रखता है और उस पर काम करना शुरू करता है. लेकिन जब काम करने से पहले उसने उस अलमीरा के ऊपर साफ़ सफाई की और उसने देखा कि जो अलमीरा है वो सारी कैसे गल गई है, पानी की तरह वो गल चुकी है, और उसके जो ड्रॉअर हैं, जो उसके दराज हैं, वो इतने हार्ड हो चुकी हैं कि उसको इतना जोर लगाता है लेकिन वो दराज जो है वो ओपन नहीं होता, ड्रॉअर ओपन नहीं होता, वो बाहर नहीं आता. फिर वो क्या करता है, पूरा अपना जोर लगा के उसको जोर से जैसे ही पुल करता है तो वो जो उसका ड्रॉ है वो बाहर निकल आता है. और उसमें क्या देखता है लेखक, क्या देखता है कि उसमें एक छोटा सा और ड्रॉअर पड़ा है, उसमें से उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है जो ब्लैक कलर टिन बॉक्स होता है, जो एक लोहे का, काले लोहे का बना बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर वो एक सेलो टेप से उसने वहाँ पे एक पेपर के साथ उसको रैप किया था और उस पर लिखा हुआ था जिम्स, ये उसकी जो लेटर है. और वो लेटर उसको कब रिसीव की, उसने 25/1915 को उसने लेटर को डिस्पैच किया था. तो बच्चों आपने देखा कैसे वो लेखक एक पुरानी जो है पुरानी ख़राब सी अलमीरा लेकर आता है और वहाँ पे आके अपना क्रिसमस की तैयारी करता है, उसके ड्रॉ खोलता है, ड्रॉ में से उसे एक लेटर मिलती है. तो क्या पढ़ता है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उसमें देखता है कि वो बॉक्स के अंदर एक उसको चिट्ठी जो मिलती है, एक लिफाफा मिलता है. और वो क्या करता है, वैसे हमें किसी की लेटर नहीं पढ़नी चाहिए, दैट वॉज द बैड मैनर, लेकिन लेखक जो था वो उसको जानने के लिए इतना उसको था मन में कि मैं देखूँ इस बॉक्स में क्या है. तो उसने क्या किया, आई न्यू एज आई डिड इट डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्स. वो कहता है मुझे मालूम है कि किसी की जो चिट्ठी जो पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं इसे जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा है. क्यों वो जानना चाहता है, क्योंकि वो अलमीरा जो एक कबाड़ शॉप से खरीद कर लेकर आया था, तो जब उसने देखा तो वहाँ पे क्या एड्रेस किया हुआ था, द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैक पर्सन 12 कॉपर बीचेस बर्डपोर्ट डोरेस्ट. तो उसने क्या देखा कि उस लेटर के ऊपर किसका नाम लिखा था, मिसेस जिम, जिम की वाइफ का नाम था मिसेस जिम, और उसका एड्रेस वहाँ पे नोट लिखा हुआ था. तो लेखक ने क्या किया, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, उसने वो चिट्ठी वहाँ से निकाली और ऐसे ही बंद करके उसने रख दी. तो उसने अब देखो उसने क्या किया, चिट्ठी निकाली, पढ़ा, एड्रेस पढ़ा और उसने फिर अंदर रख ली अपनी. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप December 26, 1914. और ये कब की बात है, 1914 की बात है, और अलमीरा जो है 1915 में लेखक ने ली थी. तो इसमें ये बताया गया है कि ये लेटर जो लिखी है वो कब की लिखी है, December 26, 1914 में. तो बच्चों इसके साथ आपका फर्स्ट पार्ट जो ख़त्म होता है, इसमें ऑथर एक अलमीरा खरीदता है, अलमीरा में उसे देखता है कि वहाँ पर उसको एक चिट्ठी मिलती है जो मिसेस जिम के नाम होती है, जिम ने लिखी होती है, और वो चिट्ठी का एड्रेस पढ़ के उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है. अब आपको यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है जैसे अंडरलाइन किए गए थे, आपको बता रही हूँ, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्व, स्पॉटेड मीन्स मैंने देखा, उसको ढूंढा, स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क जो जल के, जैसे जल के वो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, वेरना थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक,
की एक प्लास्टिक की जो लेयर वहाँ पे लगाई गई थी, स्टक फास्ट शट टाइट, बहुत बुरी तरह से बंद हो चुका था। एंड स्कर्पल्स फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। तो अब यहाँ पे देखा कि ऑथर को पता था कि किसी की लेटर पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन उसने फिर भी वो निकाल कर हेजिटेट मीन्स बहुत ही शर्मिंदगी से उसने ये काम किया था, क्योंकि वो जानना चाहता था ये अलमारी में क्या है, अलमीरा ड्रॉ में क्या है, और क्या किसके लिए बहुत ही कोई चीज़ महत्व हो सकती है। तो इससे आपका जो है फर्स्ट पार्ट वो अब फिनिश होता है, ख़त्म होता है। तो हम अगले स्लाइड में आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। थैंक्स।